फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट को। क्या कह रहा है? इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना आएगा देखो बेटा, चेंज करेंगे इसको 6 whole 1/4 into 3 whole 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 125 25 upon 4 into 3 5 15 16 16 upon 5 16 upon 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 5 25, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16, ठीक है, अपॉन 1। तो कितना बचा यहाँ, 5 upon 1 into 4 upon 1, कितना आएगा इसका आंसर, 20 upon 1, दैट इज 20, जिसका आंसर क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या है, 3 whole 1/19 into 2 whole 3 upon 8, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे 3 whole 1/19 into 2 whole 3 upon 8, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे, कितना आएगा, 13 19 3 57 57 upon 58 upon 19 into 2 8 16 8 2 16 और 3 19 upon 8। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे 19 से 19, कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा नंबर आया, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 4, इसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, लिख दो यहाँ कितना बचा 27 upon 4, 4 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको कितना आएगा 4 1 4, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, है ना, इम्प्रॉपर है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे, कितना आएगा 27, यानी 4 4 6 24 6 whole, कितना बचेगा 3 3 upon 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये लिख देंगे पहले नंबर 1 whole 5 upon 7 into 1 whole 3 upon 4। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा, 7 1 7 और 5 12 12 upon 7 into 3 1 4 1 4 और 3 7 7 upon 4 आ जाएगा इसका, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12 upon 4 बचेगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4।